लेकिन ये लोग बहुत ही ज़्यादा टेम्ड है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और अभी देखिए फिर से भेजेंगे और फिर से वापस आ जाएगा दोनों उड़ के। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और एक कलरफुल ब्यूटीफुल बर्ड्स का वीडियो लेके फिर से हाजिर हो चुका हूँ आप सभी के साथ। और तो फ्रेंड्स, आज जो है मतलब वेदर बहुत ही अच्छा है। कुछ दिन लगातार बारिश हो रहा था और अभी वेदर बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से धूप उठा है और सारे बर्ड्स लोग अभी सुबह का खाना जो है भरपूर खा लिया, मतलब फल फ्रूट वगैरह। और अभी इस सीजन में ब्रीडिंग बहुत अच्छा होता है, जैसे सन कोन्यूर का और लॉरिकिट का और जितना सारे कोन्यूर ग्रुप है, कॉकाटेल, सबका ब्रीडिंग बहुत अच्छा मिल रहा है इस सीजन में। और अभी इसीलिए मतलब इक्लेक्टस का जो मेरा पेयर है वो तो एडल्ट हो गया, उसको मैंने नया ब्रीडिंग सेटअप में भी रिलीज़ कर दिया। तो अभी उसी के लिए स्पेशल बॉक्स ऑर्डर किया गया है, उसी को आज हम लोग ब्रीडिंग बॉक्स जो है प्रोवाइड करेंगे। ब्रीडिंग बॉक्स भी रेडी है, उसको अभी हम लोग ब्रीडिंग बॉक्स जो है अंदर जाके प्रोवाइड कर देते हैं। चलो, और जैसे कि यहाँ पे ब्रीडिंग बॉक्स इक्लेक्टस का रखा हुआ है, देख सकते हैं इक्लेक्टस के लिए स्पेशल ऑर्डर में ये उनका जो ब्रीडिंग बॉक्स है रेडी किया गया है। और इसका मुंह में देखिए एक स्प्राउट लगा हुआ है, ठीक है, पेड़ का जो होता है स्प्राउट जिसको बोला जाता है वो लगा हुआ है इसके अंदर, इससे अंदर जाएगा। और यहाँ पे एक ट्रे भी दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग, मतलब एक्स्ट्रा ये सेफ्टी के लिए पहले इसको काटेगा। अगर मतलब मान लीजिए वो काटता है ऐसे कि बड़ा पैरट, जितना सारा बिग पैरट होता है वो जो है ब्रीडिंग बॉक्स को बहुत ज़्यादा काटता है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एग ले किया और ब्रीडिंग बॉक्स को इससे नीचे इसका जो लकड़ी है उसको काट दिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं, इसके नीचे और एक प्लेटफॉर्म है जिसमें अंडा जो है रुक जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा। और इधर से एक मतलब चेक करने के लिए एक डोर इधर से बना गया है, इंस्पेक्शन डोर, और बहुत ही ज़्यादा भारी है। तो चलिए अभी इक्लेक्टस का जो रूम में इसको ले जाके हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। और यहीं पे मेरे इक्लेक्टस का सेटअप है। इक्लेक्टस जो ब्रीडिंग बॉक्स प्रोवाइड किया है उसके अंदर हम लोग अभी जो नेस्टिंग मटेरियल है वो प्रोवाइड करेंगे। इसमें अच्छा से हम लोग नेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं। काफी है, चलिए अभी इन लोगों को छोड़ देते हैं अकेला। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on and on. और तो फ्रेंड, जैसे हर दिन मेरा सुबह का मतलब एवियरी में आने का एक मतलब एक रूटीन मेरा बांधा रहता है कि कुछ सारे ग्रेप्स लेके अंगूर लेके आना पड़ता है मुझे। मेरा जो अफ्रीकन ग्रे पैरट का मेरा जो घर का बेबी है, तो उन दोनों बेबी को खिलाने के लिए और ग्रेप्स हम लोग मुझे डेली लाना पड़ता है 3 लोगों के लिए। तो देखिए अभी मैं ग्रेप्स दिखाऊंगा, जैसे उन लोगों को बुलाऊंगा ग्रेप्स दिखा के सारे आ जाएंगे मेरे पास ग्रेप्स खाने के लिए उड़ के। आए 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 आए, है ना अंगूर। देखिए फ्रेंड्स, ये भी एक आने वाला है, ये देखिए एक आ गया ग्रेप्स खाने के लिए, और अभी दूसरा भी आने वाला है इस साथ में, आ जाओ। और अभी ये भी आ गया है,
मतलब ये मेरा हर दिन का रूटीन है, इन दोनों को मुझे आके स्पेशली अंगूर खिलाना ही पड़ेगा। अगर नहीं खिलाऊंगा तो दोनों मिल के परेशान कर देता है और चिल्ला चिल्ला के पूरा सारे बर्ड्स को तंग करता है। अगर ग्रेप्स नहीं मिला तो हैंड फीडिंग घोल के देना पड़ता है, और नहीं तो फिर जो बादाम होता है, पीनट इन लोग जो खाता है, ग्राउंड नट जो बोला जाता है, जो बादाम होता है वो ला के देना पड़ता है। तब ये लोग जाके मतलब कुछ ना कुछ मुझे इन लोगों को स्पेशली ऐसे बुला के खिलाना पड़ेगा, मेरा हाथ के ऊपर बैठ के खाएगा तभी इन लोगों को शांति मिलता है। और अभी देखिए, और ब्लैक अंगूर तो ये लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत मीठा भी है और बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। और इसके साथ सन कॉर्नर्स भी आ जाते हैं अंगूर खाने के लिए, लेकिन ये लोग बहुत ही ज़्यादा टेम्ड है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और अभी देखिए, फिर से भेजेंगे और फिर से वापस आ जाएगा दोनों उड़ के, देखिए, और फिर बुलाएंगे तो थोड़ी देर बाद फिर से लोग दोनों अंगूर खाने के लिए आ जाएंगे। आ जाओ आ जाओ। We'll go through the wastelands, through the highways. देखिए फ्रेंड्स कैसे फिर से आ गया। हाय हाय। हेलो नहीं जी, हाँ हेलो बोलते नहीं। और इधर हेलो भी आ गया अंगूर खाने के लिए। जितने भी सर है आप लोगों के पास अगर एग्जॉटिक बर्ड है तो बड़े साइड के जितने भी पैरोट्स हैं उन लोगों को डेली ग्रेप्स दिया करिए, वो लोग बहुत पसंद करके खाते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे से ग्रेप्स खाते हैं और गन्ना भी खाते ही हैं क्योंकि मीठा होता है, और ग्रेप्स भी बहुत पसंद करके खाते हैं। और एक मिमी को भी दे देते हैं, मिमी लो एक ग्रेप्स तुम्हारे लिए। मिमी मेरी फ्रेंड मिमी भी ग्रेप्स कितना अच्छा से खाई है। आ जाओ। सन कॉर्नर लोग इन सारे ग्रे पैरट को बहुत ज़्यादा तंग करता है, इसीलिए मुझे स्पेशली आके इन लोगों को खाना खिलाना पड़ता है। आ जाओ फ्रेंड, जितना बार बुलाएंगे ये लोग उड़ उड़ के उतना बार ही आएगा। और वहाँ पे एक ब्लैक कैप के साथ एक पाइनएप्पल का मतलब पेयरिंग हुआ। देखिए वो पाइनएप्पल जो बॉक्स के अंदर से निकल रहा है। आज हम लोग थोड़ा बॉक्स भी चेक कर लेते हैं या किसी ने कुछ एक वगैरह ले किया है या नहीं। मतलब बहुत दिन से मैं देख रहा था, मीटिंग कर रहा है दोनों मिलके, और वो बॉक्स कब्जा करके रखा है, तो देख लेते एक बार जाके कुछ ब्रीडिंग प्रोग्रेस आया है या नहीं, एक बार चेक करते जाके सारे बॉक्स में एक बार चेक कर लेते हैं। और इसके साथ इसका भी अंगूर ख़त्म हो गया, और अभी नहीं है ख़त्म, फिर शाम को खिलाएंगे। अभी जाओ आज। इन लोगों का मुँह से मैं ही अंगूर खा लेता हूँ, इतना ज़्यादा मीठा है। और अभी सारे बॉक्स को हम लोग अभी चेक कर लेते हैं एक बार कि किसी में कुछ ब्रीडिंग प्रोग्रेस आया है या नहीं। सबसे पहले इधर वाले चेक कर लेते हैं। इसमें तो सारे सन कॉर्नर्स लोग मिल के मतलब झुंड बना के इसके अंदर जाते हैं शाम का टाइम। नहीं, ये तो पूरा खाली है, लेकिन पूरा पंख से भरा हुआ है, ठीक है। बहुत सारे सन कॉर्नर्स एक साथ इस बॉक्स के अंदर चला जाता है शाम का टाइम, ठीक है। और चलिए अभी दूसरे सारे बॉक्स भी चेक कर लेते हैं। और इसी बॉक्स के अंदर पाइनएप्पल और ब्लैक कैप का जो पेयर है वो जाके मतलब शाम से ही घुसा हुआ रहता है और मीटिंग भी करता है इस बॉक्स के ऊपर ही बैठ के। तो बॉक्स खोल के चेक करते हैं हम लोग।
खाली है लेकिन हाँ एक बर्ड एवेरी में तो ब्रीडिंग होने का चांसेस बहुत ही कम है क्योंकि एक बर्ड दूसरे बर्ड से अटैक करता है जब भी वो लोग एक ले करता है या फिर मीटिंग करता है। हाँ लेकिन ये हो सकता है जैसे यहाँ पे जितना सारा बर्ड्स मीटिंग कर रहा है उन सब को अगर पकड़ के हम लोग एक सेपरेट केज में कर देंगे तो हम लोगों का ब्रीडिंग बहुत ही जल्दी मिल जाएगा हम लोग को और क्योंकि नेचुरल बॉन्डिंग रहेगा तो ब्रीडिंग बहुत ही अच्छा रहेगा, ब्रीडिंग रिजल्ट भी अच्छा रहेगा। तो ये कर सकते हैं हम लोग आइडेंटिफाई करके जितना सारा मतलब पेयर मीटिंग कर रहा उन सारे बर्ड्स को पकड़ के हम लोग अगर एक उसका जो सेपरेट ब्रीडिंग केज में अगर हम लोग प्रोवाइड कर देंगे तो हम लोग का जो ब्रीडिंग रिजल्ट है बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग रिजल्ट हम लोग को मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर मैं आपके लिए हाजिर होते रहूँगा और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड।